आज आपने देखा कल से ही ये पूरे राज्य में सभी जिला प्रखंड यहाँ तक कि गांव क्षेत्र में भी कस्बों में भी ब्रैकेटिंग करा गया है, पुलिस लोगों को लगाया गया, अधिकारी को लगाया गया, सारा सरकार सारा काम छोड़कर रोड की और रोड में चौकीदारी के लिए खड़ी हो गई है। मैंने तो अध्यक्ष जी से यही जानना चाहा कि क्या वजह है, या राज्य को कोई खतरा है क्या, कि खतरा है तो किनसे है, तो कहा कि रैली आने की सूचना थी जो सरकार का जवाब आपने दिया है। बोले रैली किस लिए आना चाहती थी, रैली आना चाहती थी अपने प्रदेश में अपने लोगों का स्थानीय नीति के लिए, नौजवान अपने नियोजन नीति के लिए, प्रकृति पूजक समाज कोर्ट के लिए, लंबे समय से ओबीसी समाज अपने आरक्षण के लिए, जातिगत जनगणना के लिए, इन विषयों को लेकर राज्य के सवाल को लेकर अगर कोई जनता बाहर निकलना चाहती है, कोई नेतृत्व करना चाहता है, कोई गांव के लोग कस्बे के लोग जब बाहर निकलना चाहते हैं तो उनको पुलिस का भय दिखाकर आप उनके मुकदमा दायर करते हैं, उन्हें रोकने के लिए ब्रैकेट लगाते हैं। इतना प्रयास अगर इन विषयों का हल करने के लिए लगा देते हैं तो झारखंड खुशहाल होता है। कल का जो परेशानी और आज जो हुआ है ये केवल किसी दल के लोगों को नहीं, आम झारखंड के लोगों को भी तकलीफ इन लोगों ने दिया है। आप रात तक आप देखेंगे गाड़ियों से लोगों को उतारा गया, फोटोग्राफी करके ही रांची आसपास क्षेत्र में आने का मौका दिया गया है। ये अचानक इतनी फोर्स आप सोच नहीं सकते हैं। अखबार ने लिखा कि 4000 से ज्यादा फोर्स पार्लियामेंट्री फोर्स को यहाँ पर लगाए गए, सारे राज्य के अधिकारी, एक हमारे क्षेत्र में एक हाथी से एक हाथी मार देता है, लेकिन वहाँ पुलिस का जवाब होता है, जनप्रतिनिधि जब वहाँ लोकल पूछते हैं कि आप वहाँ पहुँचिए कि हाथी ने मार दिया, एक महिला पुरुष को मार दिया, तो उनका जवाब होता है कि नहीं आज हमको यहाँ ड्यूटी है, वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो सारे अधिकारी मूल कर्तव्य को लेकर या लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ विषय है वहाँ छोड़कर सीधे यहीं पर फिर हुए। बिल्कुल निराधार है। मैं अभी आया हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं अभी आया हूँ, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कहीं किसी ने नहीं रोका है, बेवजह अध्यक्ष महोदय सदन को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। महोदय मैं गवाह हूँ महोदय, ये लोग जानबूझकर सरकार को ये लोग बदनाम कर रहे हैं, पुलिस को ये लोग बदनाम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। महोदय आप जाइए, अभी मैं लेके चलता हूँ, चलिए, इनको कहाँ रोका है महोदय बताइए। ये आकर सरकार को गुमराह करते हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कीजिएगा, ये अच्छी बात नहीं है। बंधु जी बोलिए, बंधु जी